फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन द मिशन डेवलपमेंट एड में आपका स्वागत है। मिले सोनी डिजिटल मार्केटर। आज के इस कोर्स में हम जानेंगे कि हम कैसे अपनी वेबसाइट में डायरेक्टली सबमिशन कर सकते हैं, वो भी ऑफ पेज एसईओ से। तो चलिए फर्स्टली हम जानेंगे कुछ की पॉइंट्स से। आज हम जानेंगे कि क्या होता है डायरेक्टली सबमिशन, इसके बारे में फुल इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। और फिर साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कितने टाइप्स के डायरेक्टली सबमिशन होते हैं जिनकी हेल्प से हम आसानी से अपनी वेबसाइट के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और फिर इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि ये टाइप्स के साथ साथ क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे डायरेक्टली सबमिशन जिसका यूज करेंगे हमारी वेबसाइट के लिए। फिर हम डायरेक्टली सबमिशन की साइट की लिस्ट आपको बताएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और साथ ही साथ हमें प्रैक्टिकल तरीके से आपको सबमिशन साइट में से एक टूल्स की हेल्प से आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाने वाले हैं। तो चलिए फर्स्टली हम बात करते हैं कि डायरेक्टली सबमिशन होता क्या है। अगर बहुत से लोग बात करते हैं डायरेक्टली सबमिशन के बारे में, अलग मिथ बताते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्टली सबमिशन एक ग्रेट वे होता है जो आपके इम्प्रूव करता है, लिंक बिल्डिंग को बनाता है। ये एक्सलेंट ऑफ पेज इफेक्टर होता है जिसमें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वेब पेजेस में। जैसे कि अगर मैं सिंपल वे से मैं आपको बताऊं तो डायरेक्टली सबमिशन जो है एक अपने आप में एक अपनी वेबसाइट की कैटेगरी को सब कैटेगरी के साथ व्यवसाय से जुड़ी बहुत सी शॉर्ट में इसको इन्फॉर्मेशन देता है, एक अन्य वेबसाइट पर इसको पहुंचा देता है, जिसकी पेज से रैंकिंग भी अच्छी खासी हो जाती है। इसी को हम डायरेक्टली सबमिशन लिस्टिंग भी कह सकते हैं। यानी कि डायरेक्टली सबमिशन आपकी पेज रैंक की वेबसाइट को सही तरीके से उसमें सर्च करके पोजीशन को बढ़ाती है। अगर आपने अपनी साइट की डायरेक्टली सबमिशन कर ली है तो गूगल आपकी वेबसाइट को अधिक इम्पोर्टेंस देने लगेगा। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली सबमिशन हमारी वेबसाइट के लिए बहुत इम्पोर्टेंस होती है। उसी की हेल्प से हम आसानी से एक हाइपर लिंक की मदद से हम आसानी से इसमें डायरेक्टली सबमिशन का यूज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि डायरेक्टली सबमिशन कितने टाइप्स के होते हैं। फ्री डायरेक्टली सबमिशन, अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम डायरेक्टली सबमिशन की बात करते हैं तो कभी ना कभी तीन चीज हमेशा आती है, फ्री, पेड, फिर एक आता है रिप्रोसल लिंक। तो हम पहले फर्स्टली समझने वाले हैं कि फ्री डायरेक्टली सबमिशन में वर्क क्या होता है। तो इस प्रोसेस में अपनी वेबसाइट की आप फ्री में डायरेक्टली सबमिशन कर सकते हैं। हाँ, ऐसी बहुत सी वेबसाइट मौजूद हो गई है जो आपके लिए डायरेक्टली सबमिशन बिल्कुल फ्री रखती है, लेकिन फ्री डायरेक्टली सबमिशन करने के दौरान आपको कुछ ऐसी साइट्स भी मिलती हैं जिसमें जहां डायरेक्टली सबमिशन के लिए आपको एक से दो महीने का टाइम भी लग जाता है, क्योंकि जो साइट आपको फ्री डायरेक्टली सबमिशन करने के लिए आपको दे रही है, अपॉर्चुनिटी दे रही है, वो जल्दी से आपकी साइट को अप्रूव नहीं करती। तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो फ्री डायरेक्टली सबमिशन काफी बेहतर होती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके दो डायरेक्टली सबमिशन जो है वो आपको बाद में पता चली जाएगा जो हम दो डायरेक्टली सबमिशन के बारे में बताएंगे। और सेकंड होती है पेड डायरेक्टली सबमिशन, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं पेड डायरेक्टली सबमिशन से आपको अपनी साइट के लिंक को सबमिट के लिए यानी कि डायरेक्टली को अप्रूव करने के लिए वेब डायरेक्टरी को कुछ पैसे देने होंगे। और पेड डायरेक्टरी में एक फायदा ये होता है कि इससे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, वे आपकी साइट बहुत जल्दी से अप्रूव कर दी जाती है और लिस्ट भी कर ली जाती है। इसलिए इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गूगल आपकी पेड लिंक को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। इस वजह से हो सकता है कि अगर आप पेड डायरेक्टरी सबमिशन करें तो उसे गूगल आसानी से साइट पर लिस्टिंग लगा दे। तो यही है कि आपको पेड डायरेक्टरी सबमिशन बहुत ही रेयर केस में ही यूज करना चाहिए, नहीं तो शायद ही आप कोशिश जरूर करें कि आप फ्री डायरेक्टरी सबमिशन का यूज करके देखें। फिर इसके बाद हम बात करेंगे रेसिप्रोकल लिंक सबमिशन, यानी कि रेसिप्रोकल लिंक सबमिशन जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर आपको डायरेक्टली सबमिट करने के लिए कोई भी पैसा देना नहीं होता और ना ही यहाँ आपकी डायरेक्टली सबमिशन फ्री में होती है। फिर आप पूछोगे ये होता कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि रेसिप्रोकल लिंक सबमिशन में आपको अपनी डायरेक्टली करने के लिए डायरेक्टली सबमिशन साइट का लिंक भी अपने किसी ब्लॉग पोस्ट से देना होगा। इसके बाद आपकी वेबसाइट की डायरेक्टली सबमिशन अप्रूव हो जाएगी। अगर आसान शब्दों में और भी सिंपल में मैं आपको बता दूं तो एक तरह से ये अदला बदली है जिसमें एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। इसमें हम बोल सकते हैं कि एसईओ की नजर में रेसिप्रोकल लिंक सबमिशन जो है बहुत ही खराब चीज होती है। इससे आपकी साइट के एसईओ भी खराब होता है, इसके साथ ही गूगल भी आपको इस तरह के लिंक को काउंट नहीं करता, क्योंकि ये एक तरह से एक्सचेंज स्कीम बन जाती है। इसलिए कोशिश करें कि रेसिप्रोकल लिंक का सबमिशन का यूज बिल्कुल ना करें। जितनी भी डायरेक्टली सबमिशन साइट्स होती हैं, ये आपको सबसे ऊपर बताएगा तीनों प्रकार की डायरेक्टली सबमिशन का ही आपको अपॉर्चुनिटी देती है। जब आपके हाथों में है कि आप इन तीनों में से कौन सा चूज करना चाहते हो, और आपको इन तीनों में से सबसे पहले अगर आप नए हो तो आपको फ्री डायरेक्टली सबमिशन का यूज करना चाहिए ताकि आप उसको सही तरीके से समझो, और उसके बाद ही इन सभी को एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। तो डायरेक्टली सबमिशन आपके पास क्या दोनों होना जरूरी, तो इसके लिए आपके पास कुछ नहीं, सिंपल वे में अगर देखा जाए तो ईमेल एड्रेस चाहिए, साइट ओनर नेम चाहिए, 100 से 150 वर्ड्स की आपकी
वेबसाइट डिस्क्रिप्शन चाहिए और साथ ही साथ आपके ब्लॉग या आपकी वेबसाइट के यूआरएल लिंक चाहिए, ब्लॉग टाइटल और नेम चाहिए और साइट के आरएसएस फीड चाहिए। इन सभी को इंक्लूड करके आप फ्री डायरेक्ट सबमिशन या फिर पेड डायरेक्ट सबमिशन या रेसिप्रोकल लिंक सबमिशन में सबमिट कर सकते हो। चलिए हम बात करते हैं, हमने समझ लिया क्या होता है डायरेक्ट सबमिशन, कितने टाइप्स के होते हैं हमने ये भी समझ लिया, हम बात करेंगे क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको बेनिफिट्स बता देता हूँ कि डायरेक्ट सबमिशन से आपकी वेबसाइट को एक क्वालिटी बैक लिंक्स मिल जाते हैं, क्योंकि जब भी आप डायरेक्ट सबमिशन करते हैं तो आप वेबसाइट पर आपको सही तरीके से बैकलिंक मिल जाते हैं। जब भी कोई यूजर्स नया यूजर्स किसी वेबसाइट पर जाता है और उस बैकलिंक्स का यूज करता है कुछ नई चीज सीखने के लिए, तो डायरेक्ट आपके ही ब्लॉग पेज पे या फिर आपकी वेबसाइट पेज पर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी बैकलिंक्स आपको मिल जाते हैं। इसी तरीके से आपकी साइट की पीआर यानी कि हम बोल सकते हैं इसकी पेज रैंकिंग भी इंक्रीज होती है, तो कहीं ना कहीं जब भी इस प्रकार से पर्सन आते हैं आपकी क्वालिटी पर विजिट करते हैं तो विजिटर से ही आपकी पीआर यानी कि पेज रैंकिंग भी इंक्रीज होने लगती है और डायरेक्ट सबमिशन जो है आपकी ब्लॉग पोस्ट सर्च इंजन में भी टॉप पोजीशन में दिखने लगती है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सबमिशन बहुत बढ़िया होती है आपकी ब्लॉग पोस्ट के लिए या फिर आपकी वेबसाइट पोस्ट के लिए, क्योंकि आपकी सर्च इंजन में टॉप पोजीशन में रखने की कोशिश पूरी करती है। और साथ साथ हम देखें तो इससे क्या होता है कि डायरेक्ट सबमिशन से आपकी साइट की डीए यानी कि डोमेन अथॉरिटी भी इंक्रीज होने लगती है, तो कहीं ना कहीं आपकी डोमेन अथॉरिटी के लिए बहुत बढ़िया और बेटर प्लेटफॉर्म होता है डायरेक्ट सबमिशन। इससे आपकी साइट की हर पोस्ट जल्दी से कैच यानी कि इंडेक्स होने लगती है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सबमिशन अलग अलग इंडेक्स में आपके वेबसाइट आपके ब्लॉग पोस्ट को अलग अलग चीजों में इंक्लूड करके रख देता है। हम समझते हैं कि इससे क्या होता है एक्सा रैंकिंग में आपकी बढ़ने लगती है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सबमिशन जो है आपकी रैंक को भी बढ़ाने में हेल्पफुल करती है। हम समझते हैं कि डायरेक्ट सबमिशन साइट कौन कौन सी होती है, तो फर्स्ट लिस्ट में आपको बताता हूँ कि फ्री एड्स टाइम जो है इसका यूज करके भी आसानी से डायरेक्ट सबमिशन कर सकते हो। इसी तरीके से और भी देखा जाए तो बॉल क्लासिफाइड से या फिर हम बोल सकते हैं कि गिग्नेटिक लिस्ट है या फिर हम बोलेंगे कि advertiseareaer.com भी है, इसका यूज भी कर सकते हो आप इसी साइट से। और साथ साथ h1ad.com का यूज करके डायरेक्ट सबमिशन की प्रोसेस को आप चला सकते हो। तो इसकी प्रोसेस के लिए क्या करना है, पहले आपको जो भी मैं आपको साइट्स बता रहा हूँ इनमें से या फिर आपको और भी बहुत सी साइट्स मिल जाएंगी आप गूगल करोगे, तो आपको पहले सिलेक्ट करना है कौन सी डायरेक्टरी आपको यूज करना है, फिर इसके बाद आपको चेक करना है कि एसईओ फ्रेंडली है या नहीं है, फिर सिलेक्ट करना है रिलेवेंट कैटेगरी साथ, फिर आपको फिलअप करनी पड़ेगी फुल डिटेल्स के साथ जो भी मैंने आपको डिटेल बताई थी, जैसे कि ईमेल एड्रेस हो गया, साइट का ऑथर नेम हो गया या 100 से 150 वर्ड्स वेबसाइट डिस्क्रिप्शन हो गई या फिर ब्लॉग के यूआरएल या आपकी वेबसाइट की यूआरएल लिंक हो गई, ब्लॉग टाइटल और नेम हो गया या फिर साइट के आरएसएस फीड हो गई, तो ये सभी चीजें आपको फिलअप करनी पड़ती है आपकी डिटेल्स और फिर आपको कन्फर्म करना पड़ता है सबमिशन, फिर कन्फर्म के बाद कन्फर्म सबमिशन बाय ईमेल आपको फिर ईमेल आ जाता है कि आपको सबमिशन कन्फर्म हो गया है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है डायरेक्ट सबमिशन की। और इसी तरीके से हम लिस्ट सेकंड में भी बता सकते हैं कि फाइंडर मास्टर भी होता है या फिर आप यूज कर सकते हो क्लासिफाइड फैक्टर को या फिर आप यूज करोगे रैंकिंग लीड को या फिर आप यूज कर सकते हो ब्लॉग डायरेक्टरी और आईजी को या फिर skinonline.com को। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट सबमिशन की साइट लिस्ट होती है। इसी तरीके से हम एक और लिस्ट बता देते हैं आपको, ब्लॉग कलेक्शन होती है या फिर आप यूज कर सकते हो एक्टिव सर्च रिजल्ट को या फिर आप माई ग्रीन कॉर्नर को भी यूज कर सकते हो या फिर आप वेबसाइट submit.net का भी यूज कर सकते हो, साथ ही साथ आप हायर रैंक डायरेक्टरी का भी यूज करके अलग अलग सबमिशन की डायरेक्टरी देख सकते हो और समझ सकते हो इनके अलग अलग चीजों के बारे में। चलिए हम प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताने वाले हैं, हम जाएंगे हायर रैंक डायरेक्टरी में, तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसे कि हम आ गए गूगल पे और हमने गूगल पर सर्च किया है हाई रैंक डायरेक्टरी, तो यहाँ पे हम पहुंच गए हाई रैंक डायरेक्टरी के प्लेटफॉर्म पे और इस पे हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पे आपको कैटेगरी और सब कैटेगरी के साथ साथ अपनी वेबसाइट में जुड़ी जो भी आपको संक्षेप में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन लिखना है उसको सही तरीके से आप जा सके लिख सकते हो बता सकते हो। तो कहीं ना कहीं बढ़िया प्लेटफॉर्म होता है डायरेक्टरी सबमिट करने का। तो इससे क्या होती है कि आपका पेज में रैंकिंग भी बढ़ती है, आपका पीआर यानी कि पेज रैंकिंग भी बढ़ने लगती है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंस होती है हमारी वेबसाइट के लिए हमारे ब्लॉग्स के लिए। तो इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो, आप देख सकते हो कि बहुत सी जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम उस पर पहुंच जाएंगे साइट पे या फिर हम उस ब्लॉग पे पहुंच जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया चीज होती है, बढ़िया टूल्स होता है जिसकी हेल्प से हमारी वेबसाइट हमारे ब्लॉग के लिए बहुत हेल्पफुल करती है। तो हम कहीं ना कहीं आप बता सकते हैं कि वेबसाइट को हम बहुत ही सिंपल वे में अलग अलग कैटेगरी में और सब कैटेगरी के साथ रख देते हैं, जिससे कि दूसरी वेबसाइट को हम दे देते हैं और जिससे कि पेज रैंकिंग हमारी बढ़ने लगती है। तो ये कहीं ना कहीं इसी को हम डायरेक्ट सबमिशन का या फिर वेबसाइट लिस्टिंग भी कह देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया चीज होती है जिससे आप यूज करोगे तो आपको पूरी तरीके से पता चली जाएगा। जैसे कि हम इस पे जाते हैं इवेंट्स एंड ओशियंस पे और जहाँ पे हम देखते हैं कि जिलिस्पी प्रोडक्शंस लिखा हुआ है, हम जैसे इस पे रीड मोर पे करेंगे यानी कि हम इनकी वेबसाइट पे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इनकी आईडी से लेके टाइटल से लेके सब चीज हमें कैटेगरी मिल जाएगी कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज
इवेंट्स एंड ओशियंस के बारे में बताने वाले हैं, साइट ओनर्स जो हैं और इन्हें इतनी तारीख को करा था इनका ये है, मतलब कहीं ना कहीं पूरी इन्फॉर्मेशन हमें डायरेक्टली सबमिशन के थ्रू मिल जाती है। तो ये बहुत बढ़िया रैंक पेज रैंकिंग के बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा टूल है, वो भी ऑफ पेजेस, यानी इसमें कोई भी आपको ज्यादा चार्जेस नहीं लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया चीज होती है। इसमें सबमिट लिंक, सबमिट आर्टिकल्स, लेटेस्ट लिंक और लेटेस्ट आर्टिकल्स और टॉप हिट्स, इसी तरीके से बहुत सी एडवांस चीजें आपको दी जाती है जिनका यूज करके अपनी वेबसाइट और ब्लॉग को सही तरीके से गूगल की रैंकिंग में ला सकते हो। आई होप कि आपको हाई रैंक डायरेक्टरी के बारे में पूरी तरीके से समझ में आया होगा। आई होप कि आपको पूरी तरीके से डायरेक्टरी सबमिशंस की पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। विश यू द बेस्ट, थैंक यू सो मच।